हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी मशीन की साफ़ सफाई कैसे करते हैं और इसके ये सारे पुर्जों को कैसे खोलकर हमें कहाँ तेल डालना चाहिए। मैं आज आपको ये सब बताऊंगी। मशीन में तेल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम लोगों के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरीके से मशीन में अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो वो नहीं चलेगी। और बहुत बार अगर आप तेल नहीं डालते हैं मशीन में तो वो भारी चलती है, आपका धागा बार बार टूटता है। इसलिए मैं आपको आज वो सब भी बताऊँगी कि आप कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपकी मशीन भारी नहीं चलेगी और आपका धागा भी बार बार नहीं टूटेगा और वो बहुत हल्की चलेगी, आप आराम से अपने कपड़े बहुत आराम से सिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये रस्सी अलग करेंगे अपने पैरदान से। ये हमें रस्सी अलग करनी है अपने पैरदान से ताकि हम अपनी मशीन को अलग कर सकें और इसकी सफाई कर सकें। ये इस तरीके से आपको अपनी मशीन को अलग कर लेना है, इसको इस तरीके से टेढ़ा करके रखना है। यहाँ पे हम इसकी सफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ये नीडल अलग कर लेंगे बॉबिन केस अपने इससे, और आसानी से आप इसको अलग कर सकते हैं। आपकी जो सुई है इसको पहले आप ऊपर करें, उसके बाद ही आप बॉबिन केस निकालें। ये आप देख सकते हैं इसमें कितना कूड़ा जमा है, तो इसको साफ़ करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से आपकी मशीन बहुत भारी चलने लगती है। अब ये जो हमारी प्लेट है इसे प्लेट कहते हैं, इसको सबसे पहले निकाल लेंगे इस तरीके से, इसको अलग रख देंगे। और ये जो हमारी ये वाली प्लेट है जहाँ पे हमारा ये फिक्स रहता है, इसको हम इस तरीके से खोलेंगे। और ये जो आप पेच वगैरह खोल के रख रहे हैं इसको हम बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखें क्योंकि ये खो भी जाता है, बहुत छोटा होता है। ये मशीन की आवाज़ भी सुन सकते हैं, ये अभी इस तरीके से आ रही है और जब इसमें तेल डाल दूंगी मैं तो ये बहुत ही फ्रीली चलेगी और बहुत ही ठीक तरीके से चलने लगेगी। अब इसको इस तरीके से हम बूट को ऊपर करेंगे और ये हमारी प्लेट है इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़रूरी है ये प्लेट साफ़ करना आपको, और प्लेट के नीचे ये जितना एरिया आपको इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए। इसी की वजह से इसी में हमारा धागा फंसता है क्योंकि यहीं से हम सिलाई करते हैं, इसी से हमारा धागा फंसता है और इसी से हमारी मशीन भारी चलती है। तो एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए और इसको इस तरीके से पहले ऊपर ऊपर साफ़ कर दीजिए। अगर आपको सिलाई आती है, अगर आपको कपड़े सिलने आते हैं तो आपको मशीन की सफाई करनी भी आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो इसके दांत हैं इसमें आप कोई भी पतली चीज़ डाल के अच्छे से साफ़ करें। आप एक पुराने ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप टूथब्रश करते हैं जिससे जो कि वेस्ट हो आपके घर में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसको इस तरीके से टेढ़ा करेंगे। और अब हम यहाँ पर सफाई करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही कितना तेल डाला हुआ है। आप टाइम टू टाइम आप जब भी सिलने बैठते हैं इस पर आप ज़रूर एक बार तेल दीजिए। आप देख सकते हैं ये कपड़ा भी कितना मैला हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। आप हर हफ्ते अपनी मशीन को साफ़ कीजिए। इस तरीके से आप कपड़े को इस तरफ रखिए और इस तरीके से निकाल कर ये पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा। ये मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है एक्चुअली में कि आप इस तरीके से इसे साफ़ कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम इसका ये पेज खोलेंगे।
इसके अंदर भी हमें अच्छे से सफाई करनी है। हमारा जहाँ से घूमने वाला होता है पहिया, इसको भी हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप टाइम टू टाइम तेल दीजिए, क्योंकि ये यहाँ से घिसने वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तेल की। अब इतनी सफाई करने के बाद अब हम ये वाली प्लेट खोलेंगे अपनी। अब आप देख सकते हैं इसमें भी कितना ज़्यादा कूड़ा है, और इसको भी अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मशीन की सारी गंदगी हमारे कपड़े में आ चुकी है। आप चाहें तो ये भी खोल सकते हैं, इस तरीके से हम इसे खोलेंगे। और मैं इसे आपको लगाना भी बता दूंगी, बहुत आसान है ये लगाना। जैसे आप इसे खोल रहे हैं आपको वैसे ही इसे अटैच भी करना है। और इसकी ये सारी प्लेट्स आपको एकदम संभाल के रखनी है। आपको एक बार तेल डालने के बाद भी इसकी सफाई करनी है, क्योंकि तेल डालने के बाद भी जो कूड़ा होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जम जैसा जाता है, तो उसको भी आपको सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब इसको हमने टेढ़ा कर लिया है, अब इसमें हम टेढ़ा करके तेल डालेंगे ये सारे औजारों पर, पुर्जों पर। और यहाँ पर ये बॉबिन केस है, इसमें आपको पूरे तेल से भर देना है इसे। और अब हम इसे रखेंगे 1 घंटे के लिए धूप में। धूप में रखने से ये होगा कि या इसके अंदर तक पूरा हमारा तेल अच्छे तरीके से चला जाएगा। अगर आप पैरदान वाली मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें भी इस तरीके से इसको, ये हमारा पैरदान है और इसका पहिया है, तो ये जो इसमें ये सारे ये जोड़ वाले हिस्से हैं, इसको आप अच्छे से साफ करके यहाँ पर तेल डालिए और इसको एक बार चला दीजिए इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से टेढ़ा कर लेंगे और ये जो एक्सेस तेल है इसमें, इसको इस तरीके से साफ कर देंगे, ताकि हम अब जो कपड़ा सिलें उसमें कोई भी तेल वगैरह ना लग जाए। और इसके बाद हम अपने उसमें अटैच कर देंगे पैरदान से। सो अब हम अपने मशीन की अटैचिंग करेंगे दोबारा से। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ रहे हैं। आप सारे पुर्जों को अच्छी तरीके से पहले पोंछ लें और इस तरीके से इसमें, जिस तरीके से ये था वैसे ही आपको इसमें अटैच कर देना है इसे।
अब हम लगाएंगे दोनों प्लेट्स, और देखिए यहाँ पर जहाँ पे हम इसे लगाना है उसको आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। हमने ये अच्छी तरीके से पूरा साफ़ कर लिया है, और इसके अंदर ब्रश से आप अच्छी तरीके से इसे साफ़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ये अटैच करेंगे। ये देखिए इसमें ये दो तरीके के ये होते हैं फंसाने वाले। ये सबसे पहले आप इसको एक फंसा दीजिए, और ये जो सेकेंड है इसको थोड़ा टेढ़ा करते हुए आपको फंसाना है। आपको इन पेचों को अच्छी तरीके से टैग कर देना है ताकि ये बाद में खुल ना सके। तो अब हम अपना ये वाला पार्ट लगाएंगे, ये हमारा मेन पार्ट है मशीन का। अगर आपका धागा गुच्छे दे देकर भी आ रहा है, और अगर आपका धागा फंस रहा है बार बार और टूट रहा है बहुत जल्दी जल्दी, तो आप यहाँ से उसको ढीला टाइट करके ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ये स्प्रिंग वाला पार्ट डालना है। ये ज़्यादा यहाँ पे स्प्रिंग है, पहले आपको वो डालनी है इस तरीके से। और ये आपको नहीं डालना है, सबसे पहले आपको ये डालना है। अभी हम अपने आगे वाले भाग को इसमें नहीं डाल रहे हैं, अभी हमें इसे नहीं डालना है। तो अब जाएगा ये वाला पार्ट। और ये जो प्लेट है ये इस तरीके से जाएगी, ये ऐसे आपको नहीं डालनी है, ऐसे डालनी है ये। अब ये जो स्प्रिंग का पार्ट था, अब हमें ये अंदर करना है। अब ये कील वाला हिस्सा जाएगा अंदर, आप देख सकते हैं इस पर कील टाइप लगा है, और ये इसके अंदर जाएगा। ये आपको इस वाले भाग से निकालते हुए अंदर करना है। इसके ऊपर आपको ये लगाना है जिसमें ये पार्टीशन टाइप है, और यहाँ पर भी पार्टीशन टाइप दिया हुआ है आपको। इसको इस तरीके से इसके बीच में निकालते हुए जाना है। और अब ये स्प्रिंग आएगी, और ये नट है, इसी से आप इसको ढीला टाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी कैंची में भी तेल दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी कैंची में भी इस तरीके से जंग आ गए हैं, और आप इस तरीके से इसमें तेल दे सकते हैं, और इसको एक कपड़े की हेल्प से अच्छे से साफ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन कितनी न्यू और एकदम चमचमाती हुई दिख रही है। इसी तरीके से आप अपनी मशीन की सफाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।